पाकिस्तान के मारूफ और सीनियर सहाफी अरशद शरीफ को केनिया में कत्ल कर दिया गया। वो कौन था और रजीम चेंज ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले अरशद शरीफ को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। एयर वन न्यूज से वाबस्ता एंकर काशिफ अब्बासी के मुताबिक अरशद शरीफ को केनिया में गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस हवाले से ताहाल मजीद तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। ख्याल रहे कि कई सालों तक निजी टीवी एयर वन न्यूज से वाबस्ता रहने वाले अरशद शरीफ ने कुछ माह पहले ही पाकिस्तान छोड़ा था और बैरून मुल्क से पाकिस्तानी सियासत के हवाले से यूट्यूब पर व्लॉग किया करते थे। उनको पाकिस्तान में भी बहुत दफा धमकियां मिल चुकी थी। बोल न्यूज से वाबस्ता सहाफियों का कहना है कि उनके बोल न्यूज से मामला तय पा गए थे, वो उनके साथ प्रोग्राम करने वाले थे। यहाँ ये बात भी काबिले जिक्र है कि 2011 में उनके भाई को भी शहीद कर दिया गया था। उनके भाई पाक फौज में मेजर थे और अपने वालिद के इंतकाल पर घर वापिस आ रहे थे, लेकिन दहशत गर्दों ने उन पर हमला करके उनको शहीद कर दिया। आज अरशद शरीफ को भी केनिया में शहीद कर दिया गया। यहाँ बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया और क्यों किया? क्या हमेशा जो सच बोलेगा उसको कत्ल किया जाएगा? बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं।